Oho, again. Oho, again. Thank you, DJ Master. Hey, bike leke hatna. Hello. जी हाँ, पहली गेंद पर पहला छक्का खाया यहाँ पर गेंदबाज है खालिद मसला की ओर से, मारूफ मेरे साथी कमेंटर जहां कहीं पर भी हो। ओहो, अच्छी गेंद थी, काफी अच्छी गेंद, लेकिन मीरान यहाँ पर लंबा प्रहार करना चाहते थे, पीठ में गेंद को समझ न सके। मारूफ मेरे साथी कमेंटर जहां कहीं पर भी हो। ओहो, अच्छी गेंद थी, पहली गेंद पर एक लंबा प्रहार किया था, छक्का लगाया था, दूसरी गेंद डॉट थी। ओहो, अच्छी गेंद है, और गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ, देख रहे हैं 6 रनों के लिए, दूसरा छक्का लगा यहाँ पर, छक्का लगाया था, दूसरी गेंद डॉट थी। ओहो, अच्छी गेंद है, और गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ, देख रहे हैं 6 रनों के लिए। जी हाँ, देखिए यहाँ पर बिल्कुल पवेलियन के पीछे सारे दर्शकों का इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, टूरिस्ट वाले हैं, सहल जा रही स्कूल की। फाइनली मुकाबला यहाँ पर आप देख रहे हैं। फिर से एक बार खालिद अपनी गेंदबाजी के लिए, मीरान के लिए काफी अच्छी गेंद, जोरदार अपील, लेकिन उत्सव उत्सव ज्यादा विश्वास कम इस बात पर। फिर से एक बार अपनी गेंदबाजी के लिए तैयार सामने है मीरान, काफी अच्छी बल्लेबाजी करने होगी अगर ये मैच जिताना है अपनी टीम के लिए मीरान को। तो राइट हैंड ओवर द विकेट से अच्छी गेंद थी, नपीतोली गेंदबाजी काफी, लेकिन अंपायर निसार का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, वाइड की मदद से स्कोर में इजाफा करता हुआ जो कि फाइनल मैच खेला जा रहा है। फातिमा 11 मसला, 2 गेंदें शेष है। खालिद ओवर द विकेट से मीरान के लिए, कट करना चाहते थे वहां पर, एक जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं, रुका हुआ स्कोर यहां पर। तेरह रन नासिर एटे की जानिब से फाइनल जीतने वाले को 350 रुपया दिया जाएगा, नासिर एटे छिपल वाले। ओहो, बहुत अच्छी गेंद, उतना ही बेहतरीन शॉट खेला, देखना गेंद जारी 4 रनों के लिए, जीतने वाले को 350 रुपया दिया जाएगा, नासिर एटे छिपल वाले। ओहो, बहुत अच्छी गेंद, उतना ही बेहतरीन शॉट खेला, देखना गेंद जारी 4 रनों के लिए। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पर होता हुआ मारूफ मेरे साथी कमेंटर यहाँ पर, मारूफ हेलो, टाइम पास ना करे प्लीज, दोनों टीमों से मैं गुजारिश करता हूँ कि टाइम पास ना करे, क्योंकि यहाँ पर सूरज अपनी ग्रुप के ओर चलता हुआ काफी अंधेरा होगा यहाँ पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आए हुए तमाम दर्शकों को मेरा सलाम। आखिरी क्षणों में मैच चल रहा है, आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब बागमाला फाइनल का मैच। रिहान इस मरतबा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। दर्शकों को मेरा सलाम, आखिरी क्षणों में मैच चल रहा है आफ्ताब
स्पोर्ट्स क्लब बागमाला फाइनल का मैच, स्टैमिनल का मैच, स्टैमिना का मैच, रिहान इस मर्तबा लॉन्ग ऑफ बॉल हर छक्के के ऊपर। अखलाक बड़े की जानिब से 100 रुपए का इनाम। फिर से एक बार नदीम अपने बॉलिंग मार्क पर, इस मर्तबा अच्छी गेंद, अच्छा बैकअप किया था नदीम ने, लेकिन डी जोन में यही गेंद, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर, एक रन के साथ स्कोर अच्छा बैकअप किया था 24 रन। सलामी के बल्लेबाज अभी तक वहां पर इनिंग का आगाज करने के लिए गए थे मीरान और रिहान। फिर से एक बार नदीम, फुल टॉस लाइन की गेंद थी वहां पर, मिड विकेट की जानी पे मिस फील्ड हुआ यहां पर, और देख रहे हैं गेंद बाउंड्री रन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। और रिहान फिर से एक बार नदीम, फुल टॉस लाइन की गेंद, मिड विकेट की जानी पे मिस बाउंड्री रन के बाहर। थोड़ा दर्शक बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा हटकर बैठे प्लीज, क्योंकि वहां पर अगर कोई फील्डर अगर फील्ड कर रहा है तो दुश्वारी आती है तमाम, क्योंकि आखिरी क्षणों में मैच फाइनल का मैच चल रहा है। सभी से गुजारिश करूंगा, फिर से एक बार मीरा ने खेलने के लिए तैयार, राइट हम ओवर द विकेट नदीम, इस मरतबा फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। फिर से एक बार मीरा ने खेलने के लिए तैयार, राइट हम ओवर द विकेट नदीम, इस मरतबा फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे, बार क्या सामना जिंकून दाखव माला तर दिरक्या भेटतील तुला। बिल्कुल मीरा ने फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार, इस मरतबा काफी अच्छी गेंद, ब्लॉकल में गेंद थी मुन्ना जब तक वहां पर फील्ड करते, एक रन मुकम्मल कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है जुनेद 11 का 35 रन। हर छक्के के ऊपर अखलाक बड़े की जानिब से 100 रुपए का इनाम यहां पर आया हुआ है। आखिरी दो एक गेंद आना शेष, और इस मरतबा लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला इस गेंद को, एक ही रन से संतुष्ट रहेगा दोनों ही बल्लेबाज, एक रन के साथ स्कोर छा पहुंचा है जुनेद 11 का। गेंद आना शेष और इस मरतबा लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला इस गेंद को, हर छक्के पे यहां पर अखलाक बड़े की जानिब से बताता चलो आपको, हर छक्के के ऊपर दोनों खिलाड़ियों का 600 रुपए का इनाम। मौलाना जिस तरीके का माहौल बना हुआ है यहां पर, फाइनल का मैच चल रहा है, जिस तरीके से आपको बताता चलो, जिस तरीके से सेमीफाइनल का मैच हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ था, जिस तरीके से मीरान ने बल्लेबाजी की, मुनीब ने बल्लेबाजी की, और उसी के बदौलत जुनेद 11 जो कि फाइनल में प्रवेश की है, और एक अच्छा टारगेट बिल्कुल यहां से बनता है, क्योंकि जिस तरह से मसला की टीम है तो 60 रन का यहां से टारगेट बनना चाहिए, तो उसी की कोशिश में अभी तक स्कोर बन चुका है 36 रन। आखिरी ओवर शाहिद आए हैं आखिरी ओवर लेके, कप्तान ने मोर्चे पे लगाया, देखना अपने टीम को कहां तक सफल कर पाते शाहिद। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट टर्म ओवर द विकेट से रिहान के लिए पहली मरतबा रन अप मिस करते हुआ, फिर से एक बार अंपायर का इशारा डेढ़ बॉल का आता हुआ, फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट हम ओवर द विकेट, रिहान खेलने के लिए तैयार, और अच्छी गेंद, रन आउट का खतरा हो सकता है, और मीरान रन आउट होकर पवेलियन में वापस, पहला झटका खेलने के लिए तैयार, और अच्छी गेंद, रन आउट का खतरा हो सकता है, मौका मिला जरूर वहां पर नदीम को और मीरान को पवेलियन भेज दिया यहां पर, रन आउट होकर मीरान पवेलियन में वापस, अच्छा शॉट जरूर खेला था लेकिन फॉलो थ्रो में वहां पर गेंद। जी हां मारूफ, मैं आपको बताते चलो कि यहाँ पर 27 रन पर मीरान आउट होकर पवेलियन दिशा, काफी अच्छी बल्लेबाजी, इससे पहले मैच में भी काफी अच्छा रनों का योगदान दिया था मारूफ, इसने मीरान ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की आज, काफी अच्छे छक्के लगाए अपनी टीम की ओर, और इसी तरह से अपनी टीम को जीत दिलाई थी वही मीरान, अभी आखिरी क्षणों में रन आउट होकर पवेलियन दिशा।
बिल्कुल, अब मुनीब गए वन डाउन के रूप में। मुनीब देखना है कहां तक अपने टीम को यहां से आगे लेके चलते हैं। 36 रन हो चुके हैं अभी तक, 50 के पार जाना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से मसला की टीम है, एक अच्छी टीम है, एक अच्छी बल्लेबाजी मौजूद है, तो एक अच्छा लक्ष्य यहां पर, क्योंकि फाइनल का मैच 1 लाख जिसका फर्स्ट प्राइज और फाइनल का मैच चलता हुआ आए हुए तमाम दर्शकों का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। शाहिद प्लीज गेंदबाजी जल्दी से जल्दी करे, राइट हम राउंड विकेट मुनीब के लिए, वो फुलटॉस रन की गेंद थी वहां पर, खेला था मिड विकेट के ऊपर, वहां पर फील्डर तैनात था, एक ही रन मिलेगा, एक रन के साथ संतुष्ट तो नहीं बल्लेबाज। आखिरी ओवर, आखिरी 4 गेंद आना शेष, रिहान 4 गेंदे बचे, क्या विकेट का माहौल बन सकता है यहां पर। शाहिद के हाथ में गेंद थमाई है कप्तान ने, अच्छी बल्लेबाजी अभी तक करता हुआ खिलाड़ी रिहान, कुड़की से ताल्लुक है इसका, जुनैद 11 के लिए खेल रहा है खिलाड़ी। इस मरतबा हिट करना चाहा गेंद को लेकिन कट लग के वहां पर, जब तक के नदी में फील्ड करते, एक ही रन मिलेगा। एक रन से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ जुनैद 11 का 38 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट जो कि मीरान आउट होते रन आउट के रूप में। मुनीब के हाथ में स्ट्राइक, क्या बड़ा शॉट लगाने में कामयाब हो गए मुनीब, सामने शाहिद, राइट हम राउंड विकेट से मुनीब के लिए, मुनीब खेलने के लिए तैयार। और इस मरतबा क्या शॉट लगाया गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे, डीजे थैंक यू। अखलाक बड़े की तरफ से 100 रुपए का इनाम मुनीब के लिए। इस मरतबा लॉन्ग ऑफ की जाने पर मिड ऑन के ऊपर से शॉट खेला था लेकिन 2 रन, अच्छी रनिंग कहूंगा बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों की, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जुनैद 11 का 46 रन। आखिरी गेंद आना शेष, 1-2, राइट हम राउंड विकेट से इस फाइनल मैच के आखिरी गेंद, पहले इनिंग की आखिरी गेंद। इस मरतबा आगे निकलकर खेलना चाहते थे, नो बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल का, फ्री हिट रहेगी इस गेंद के ऊपर। काफी अच्छे अंपायरिंग यहां पर देखने मिल रही, निसार मांडलेकर और किफायत सावरटकर, काफी अच्छा तजुर्बा है दोनों अंपायरों के पास, काफी अच्छे सालों से अंपायरिंग करते हुए आ रहे आफ्ताब स्पोर्ट क्लब में। जी हाँ मारूफ, और बोला ना जो गेंदबाज रहता है उसका एक्शन पूरा क्लियर होना चाहिए, अगर अंपायर फिर अगर उस एक्शन को अगर नकारता है, नो गेंद देता, तो फिर वो गेंदबाज इस मतलब टूर्नामेंट के अंदर गेंदबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि एक टेनिस क्रिकेट है, आप देखते हो कि एक रियल क्रिकेट, यहां पर आपका हाथ पूरी तरीके से घूमना चाहिए जो कि रियल बॉलिंग होती है। तो आप अगर हाफ 1 रन मिलेगा इसी बीच, अगर हाथ को आप झटका देते हो तो फिर वो थ्रो बॉलिंग मानी जाती है, तो वो एक्सेप्ट नहीं है टेनिस क्रिकेट के अंदर और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखते हैं। एक रन के साथ स्कोर जाप हो जाए जुनैद 11 का 48 रन, अगर ये मैच जीतना 11 फाइटर मसला को तो 49 रन बनाने होंगे। अंपायर जल्दी से जल्दी मैच को स्टार्ट करें और सलामी के बल्लेबाज भी भेज दे, आपको ही फायदा होगा। नदीम जल्दी से जल्दी क्रीज के ऊपर जाए आप और जुनैद 11 में अपनी फील्डिंग सजा ले जल्दी से जल्दी, क्योंकि आखिरी क्षण में मैच है। डीजे 49 रन बनाना है, 49 रन का लक्ष्य, 48 रन बनाई है जुनैद 11 ने। हेलो हेलो, आपको कोल्ड ड्रिंक इसके मैच के बाद दी जाएगी क्योंकि वक्त की कमी की वजह से जल्दी फील्डिंग कप्तान फील्डिंग सजाई जाए, वक्त बहुत कम है, कोल्ड ड्रिंक बाद में दी जाएगी। थैंक यू मीरान, मीरान फील्डिंग सजा ले जल्दी से जल्दी, मीरान वक्त बहुत कम है हमारे पास है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी। सारी
हेलो थैंक यू मास्टर मौलाना फाइनल का मैच चल रहा है 1,00,000 फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज 50,000 और आफ्ताब ट्रॉफी क्या माहौल बना यहां पर दर्शक जो कि चारों तरफ से इस मैच का आनंद लेते हुए नजर आ रहे किस तरह का माहौल एक छोटे से गांव के अंदर श्रीवर्धन तालुके का एक गांव और एक एक बड़ा टूर्नामेंट जब होता है तो इस तरह का माहौल बहुत मजा आता है मौलाना इस माहौल को देखकर जी हाँ मारूफ लेकिन यहां पर मैं बताते चलूं कि अब जो कि फाइनल राउंड खेला जा रहा है और अंधेरा छा रहा है यहाँ पर सारे मैं फील्डर और बल्लेबाजों को कह दूं कि अपनी मैच शुरू करें क्योंकि यहाँ पर दर्शक इस मैच का अच्छी तरह से आनंद ले और लुत्फ उठाए क्योंकि मैच जल्दी से जल्द जितना शुरू करेंगे उतना यहाँ पर बेहतर होगा क्योंकि सूरज अपनी ग्रुप की ओर है अजान का वक्त बिल्कुल करीब है बिल्कुल बिल्कुल पहले ओवर के मुश्तबा उर्फ पोलार्ड के नाम से जाना जाता है खिलाड़ी तालुके के अंदर राइट आर्म और विकेट नदीम के लिए पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी लेकिन सही से कनेक्ट नहीं कर पाए नदीम इमरान ने वहां पर फील्ड किया पहली गेंद डॉट बॉल रहेगी इस पहले ओवर की अंपायर जल्दी से जल्दी गेम को स्टार्ट करें क्योंकि अजान होगी अभी अंधेरा नहीं होना चाहिए फाइनल का मैच चल रहा है तो फिर बैट्समैन के लिए दुश्वारी होती है 49 रनों का लक्ष्य है 49 रनों का लक्ष्य है राइट अब राउंड विकेट से आने का फैसला क्या इस मर्तबा उठा के खेला है क्या कैच बनेगा गेंद आ रही है बॉन्ड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए थैंक यू डीजे 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 लियाकत मांडलेकर की जानिब से छक्के के ऊपर नदीम के लिए 100 रुपए का इनाम मीरा ने कुछ समझा कर फिर से एक बार अपनी कीपिंग की जिम्मेदारी संभालने के लिए वहां पर कुछ समझाया इस मरतबा पहली गेंद ओवर विकेट से की थी राउंड विकेट से आने का फैसला छक्का लगाया नदीम ने फिर से एक बार इस मरतबा बिल्कुल ब्रॉकल में गेंद जब तक के फील्डर वहां पर फील्ड करते थ्रो आता 1 रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज 3 गेंदें हो चुकी है स्कोर है 7 रन आखिरी 3 गेंदें आना शेष 49 रनों का लक्ष्य आपके सामने तो एक अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है आपको क्या शुरुआत मिलेगी एक छक्का जरूर लगाए साध है स्ट्राइक पे पहली मरतबा और इस मरतबा कोई गलती नहीं करेगी साध गेंद जारी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए थैंक यू डीजे मास्टर थोड़ा सा भाई नक्की सामना झिंकुन दाको बार क्या आने वाला वक्त ही बताएगा कौन जीत के दिखाएगा ये सामना अशफाक मांडलेकर की जानिब 100 रुपए का इनाम इस छक्के के ऊपर 7 के लिए और इस मरतबा फिर से एक बार उठा के खेला है कैच और सतीश कोई गलती नहीं करेगा यहां पर पहला विकेट पहला झटका 11 फाइटर मसला गो 13 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता हुआ इसको लेग की जानिब शॉर्ट खेला था जरूर एक छक्का लगाने का प्रयास था वहां पर 7 का क्योंकि 49 रनों का लक्ष्य आपके सामने तो फिर आपको हिट करना पड़ता है हर गेंद क्योंकि गेंद सिर्फ 18 गेंदों का मैच है ये 3 ओवर का मैच 49 रनों का लक्ष्य 13 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता हुआ बिल्कुल कम बैक के देखने मिला यहां पर मुश्तबा उर्फ पोलार्ड की जानिब से पहला विकेट मुश्तबा के खाते में कैच आउट करा यहां पर साध को अब अगली गेंद इरशाद के लिए वन डाउन के रूप में काफी अरसे से खेलता हुआ खिलाड़ी एक कप्तान एक अच्छा कप्तान 11 फाइटर मसला तो काफी टूर्नामेंट जीता है इस खिलाड़ी ने इस मरतबा बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंद मुनीब है वहां पर फील्डर जब तक के फील्डर फील्ड करेंगे वहां पर मुनीब थ्रो करते 1 रन के साथ संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज 1 ओवर के साथ 1 ओवर के खात्मे पे स्कोर है 14 रन
यही चाहता था मैं नूर हसन मांडलेकर अंकल ने कहा है यहाँ पर अगले साल जो टूर्नामेंट होगा तमाम दर्शकों को बताना चलू 8, 9 और 10 जनवरी और आईपीएल फॉर्मेट तीनों दिन यही मैं चाहता था कि इस ग्राउंड के ऊपर एक अच्छा ग्राउंड है ये तो एक दिग्गजों की महफिल कब सजेगी इस ग्राउंड के ऊपर यही देखना था मुझे और बिल्कुल आपके सामने डेट आ गई है अगले साल की 8, 9 और 10 जनवरी 2021 और पूरा आईपीएल फॉर्मेट खेला जाएगा इस ग्राउंड के ऊपर क्या बात है। रिहान को मोर्चे पर लगा कप्तान ने सामने है रिशाद आखिरी गेंद पे एक रन आया था तो सिंगल अपने पास रखेंगे रिशाद एक ओवर के खात्मे पे स्कोर है 14 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट सामने रिशाद दूसरी ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से आने वाले 12 गेंदों में 35 रन की जरूरत अंपायर को पार करने के बाद और शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी वहां पर जब तक मुस्तफा पोलार्ड लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच से फील्ड करते थ्रो करते रिहान के हाथों में एक रन मुकम्मल एक रन से शुरुआत हुई यहां पर दूसरी ओवर की एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 11 फाइटर मसला का 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। टाइम पास ना करें प्लीज अंपायर जल्दी से मैच को पूरा करें क्योंकि अंधेरा होता जा रहा है। क्या गेंद है मौलाना क्या गेंद है तमाम दर्शक लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद अंपायर ने वाइड करार दिया इस गेंद को लेकिन जिस तरीके से गेंद डाली थी रिहान ने बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा मैं जरूर दिशाहीन गेंद थी लेकिन बहुत अच्छी गेंद होती है ये क्रिकेट के अंदर यॉर्कर के बाद अगर कोई अच्छी गेंद है तो फिर गुडलेन के ऊपर टप्पा रखे आप बिल्कुल चकमा देती है बल्लेबाज को लेकिन इस मरतबा अंपायर ने अपने बाहें खोलकर वाइड का इशारा दिया एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ फिर से एक बार कुछ रन अप मिस करते हुए अपना रिहान 16 रन स्कोर है रिहान फिर से एक मरतबा नदीम के लिए इस मरतबा क्या कैच का मौका अरबाज जरूर एक अच्छा ट्राई किया था जब तक वहां पर अब फील्ड करते थ्रो आता अच्छी ट्राई कहूंगा क्योंकि काफी आगे था कैच तो अरबाज ने जरूर ट्राई किया था इस कैच को लेने का बखूबी जानते हैं अरबाज के नदीम जैसे बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाना है लेकिन एक अच्छा ट्राई देखने मिला कैच जरूर हाथ ना लगा अरबाज के 2 रन मिलेंगे इसी बीच 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 18 रन। हेलो बॉलर ख्याल रखे अगर ओवर सुनने ऐसा किया तो एक बॉल कट किया जाएगा तुम्हारा इस मरतबा उठा के खिलाए गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए हेलो थैंक यू डीजे बॉल दे दे प्लीज टाइम पास ना करे प्लीज अंपायर जल्दी से मैच को पूरा करे इस ओवर के आखिरी 3 गेंद आना शेष 3 to go स्कोर है 24 रन आखिरी 9 गेंदों में 25 रन की जरूरत है 9 गेंदे 25 रन रिहान फिर से एक बार राइट ओवर द विकेट इस मरतबा फिर से एक बार अतिरिक्त गेंद अंपायर का इशारा आता हुआ यहां पर वाइड बॉल का एक रन के साथ
स्कोर आगे जा पहुंचा है 11 फाइटर मसला का 25 रन। नौ गेंदे 24 रन की जरूरत है, नौ गेंदे 24 रन। इस मर्तबा काफी अच्छी गेंद, एक अच्छा गेंदबाज, एक अच्छी ऑलराउंडर की हैसियत रखता है कुड़की के अंदर एक खिलाड़ी मैन फ्रॉम कुड़की रिहान, कुड़की की टीम से एक अच्छा ऑलराउंडर है। लेकिन इस मर्तबा जो कि ओपन फॉर्मेट का है मुकाबला है, एक साइड से ओपन जो का आज का दिन था फाइनल डेज टूर्नामेंट का, तो एक जुनैद 11 की टीम से खेलता हुआ एक खिलाड़ी, एक अच्छा ऑलराउंडर। इस मर्तबा काफी अच्छी गेंद थी लेकिन एक रन मिलेगा, हिट करना चाहते थे इस गेंद को, बाउंड्री के बाहर पहुंचाना चाहते थे नदी में, लेकिन डी जोन में गई गेंद। एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 11 फाइटर मसला 26 रन, एक विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद आना शेष, आखिरी सात गेंदों में 23 रन की जरूरत, सात गेंदे 23 रन। रियान राइटम और द विकेट, आखिरी गेंद लेकर इरशाद के लिए। इस मर्तबा फिर से एक बार वाइड बॉल, थोड़े से निराश नजर आ रहे यहां पर रिहान, चाहते थे कि वाइड बॉल ना हो लेकिन अंपायर का इशारा जो कि आखिरी फैसला रहेगा, वहां पर अंपायर ने वाइड का इशारा दिया था जो कि आखिरी फैसला अंपायर का फैसला रहेगा। तो इसी के साथ अतिरिक्त रन के साथ स्कोर अब 11 फाइटर मसला का 27 रन, अबच सात गेंदे और जल्दी से जल्दी अंपायर रिहान प्लीज थोड़ा जल्दी से आखिरी गेंद को खत्म करे। इस मर्तबा थैंक यू डीजे 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 अजान हो गया। अभी चार रन आखिरी गेंद पे स्कोर है चार रन के साथ 11 फाइटर मसला 31 रन, अब छह गेंद में 18 रन की जरूरत है, छह गेंदे 18 रन। आखिरी ओवर किसको मोर्चे पे लगाएंगे कप्तान आने वाला वक्त तो बताएगा, जल्दी से जल्दी टीम मीटिंग ना करें वहां पर मीरान मुनीब राशिद भाई प्लीज, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट रह गए अजान के अंदर, तो प्लीज जल्दी से जल्दी अंपायर टाइम पास ना करें प्लीज, अंपायर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि जी हाँ मारूफ यहाँ पर आखिरी ओवर है, देखना है आखिरी ओवर के लिए किसको लाया जा रहा है। काफी अच्छा मुकाबला, 18 रनों की जरूरत, एक संघर्ष मुकाबला, क्या किसके पक्ष में आखिरी छह गेंदे और 18 रनों की जरूरत, क्या नदीम और इरशाद इस लंबे एक रन रेट को पूरा कर पाते हैं क्या नहीं, आखिरी छह गेंदे और मौलाना सतीश के हाथ में गेंद थमाइए कप्तान ने, सतीश एक्सप्रेस का लकाब मिला इस खिलाड़ी को प्लीज गाड़ी, और ये आखिरी क्षणों में प्लीज तमाम दर्शक थोड़ा सा कॉपरेट करें, 1 लाख का मैच है, फाइनल का मुकाबला चालू है, वहां पर बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर से नहीं जा रही गाड़ी आपकी, तो प्लीज अभी कोई भी गाड़ी लेके ना आए यहाँ पर। जी हाँ पहली मर्तबा सतीश गेंदबाजी के लिए सामने, एक हार्ड हिटर नदीम, 18 रनों की जरूरत, 6 रनों के साथ 6 गेंदे बची हुई है आखिरी ओवर की, गेंदबाज है सतीश, एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। राइट ओवर द विकेट से नदीम के लिए अच्छी गेंद, यहाँ पर जोरदार अपील, उत्सव ज्यादा विश्वास कम, यहाँ पर देखना है, एक रन मिला दूसरे रन के लिए पलटे, लेकिन अंपायर का इशारा एक रन मिलेगा लेग बाय के रूप में। इसी तरह से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 32 रन, पांच गेंदे और 17 रनों की जरूरत, काफी संघर्ष मुकाबला, क्या नदीम और इरशाद लंबे इस टारगेट को पूरा कर पाते हैं क्या नहीं, अगला वक्त ही बता सकता है, क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं मसला की ओर से नदीम और इरशाद, काफी टूर्नामेंट में अच्छा योगदान रहता है दोनों बल्लेबाजों का, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर, लेकिन उतने बेहतरीन गेंदबाज भी है सतीश, सतीश चले राइट हम ओवर द विकेट से, सामने है नदीम और जोरदार हिट लगाया लॉन्गो बाउंड्री के ऊपर से, गेंद जा रही सीधी सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए कोई मौका नहीं रहा, 6 रनों के साथ तेजी से स्कोर में इजाफा,
रऊफ मांडलेकर इनकी तरफ से नदीम के लिए 100 रुपये का इनाम आया हुआ है। लिख के रखा जी हाँ, चार गेंदे और 12 रनों की जरूरत, काफी संघर्ष मुकाबला, 11 रनों की जरूरत, 4 गेंदे और 11 रन। प्लीज खेल शुरू करें अंपायर, वक्त की कमी है, सूरज अपनी ग्रुप के ओर है, 4 गेंदे और 11 रनों की जरूरत। हार्ड हिटर नदीम है सामने, एक लंबा लक्ष्य, लेकिन इनके सामने लंबा लक्ष्य कुछ नहीं है क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं नदीम और इरशाद। अगर और एक सिक्स लगाते हैं नदीम यहां पर तो अब्दुल रऊफ मांडलेकर की तरफ से 100 रुपया आ जाएंगे। 22 पे खेलते हुए नदीम फिर से एक बार, ओहो अच्छी गेंद है हवा में और गेंद जा रही सिमारे के ऊपर, लॉन्ग ऑफ बॉडी के ऊपर से 6 रनों के लिए, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए, 6 रनों के साथ स्कोर में इजाफा। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर नदीम और इरशाद द्वारा। जी हाँ, काफी संघर्ष मुकाबला, काफी दर्शकों में उत्सव, 200 रुपये के हकदार हुए हैं यहां पर, और अगर एक सिक्स और मारते हैं तो 200 रुपये के हकदार हो जाएंगे। 3 गेंदे और 5 रन। अंपायर गेम को स्टार्ट करें जल्दी से जल्दी प्लीज अंपायर। आखिरी 3 गेंदे 5 रन की जरूरत, एक रोमांचक मुकाबला बिल्कुल आखिरी क्षणों में मैच चल रहा है, तो अंपायर प्लीज अंपायर को ध्यान देना है वहां पे। अंपायर प्लीज जल्दी से जल्दी गेम को खत्म करें, मैनेजमेंट का फैसला है। तमाम दर्शकों को एक खुशखबरी देना चाहूंगा, अगले साल भी इसी ग्राउंड के ऊपर एक बड़ा टूर्नामेंट जनवरी के अंदर 2021 के अंदर आप सभी को देखने मिलेगा। 8, 9 और 10 जनवरी को एक बड़ा टूर्नामेंट इसी ग्राउंड के ऊपर। आखिरी क्षणों में चलता हुआ मैच फिर से एक बार, सतीश अपनी गेंदबाजी के लिए सामने, हार्ड हिटर नदीम, ओहो अच्छी गेंद है यहां पर, देखना है जब तक के इसे खेला है नदीम ने। 1 रन मिलेगा और 1 ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा, 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 45। 2 गेंदे और 4 रनों की जरूरत, काफी एक अच्छा रोमांचक मैच यहां पर, काफी कांटे का टक्कर यहां पर, काफी अच्छा मैच होता हुआ जो कि फाइनल के रूप में। और मौलाना जिस तरीके का फाइनल का माहौल बना था बिल्कुल उसी तरीके का फाइनल है तमाम दर्शक को देखने मिल रहा है, जिस तरीके से दर्शक खड़े हो रहे हैं, दो मैच दो बॉल आखिरी 2 बॉल है और जिस तरीके से दर्शक खड़े हुए सब, इस 2 बॉल का मजा जो है 1,50,000 है, 2 बॉल डिसाइड करेंगे। इरशाद लॉन्ग ऑन की जानिब, मुनीब है वहां पर जब तक के फील्डर फील करते, मुनीब थ्रो करते सतीश के हाथ में और 1 गेंद और 3 रन। मैं आपको बताता चलूं, तमाम दर्शकों को बताता चलूं, मौलाना जिस तरीके का माहौल बना हुआ है सब दर्शक खड़े हो गए। जी हाँ बिल्कुल मारूफ, यहाँ पर आखिरी गेंद है और 3 रनों की जरूरत, क्या इस लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं क्या नहीं, कैमरामैन सब तरफ कैमरा घुमाए। आखिरी 1 गेंद और गेंद है सतीश के हाथ, आखिरी क्षणों पर चलता हुआ मैच और स्टार्ट पर है नदीम, खेल शुरू करे प्लीज, कैमरा ग्राउंड के अंदर कोई ना जाए प्लीज। आखिरी गेंद सतीश है गेंदबाज, सामने है नदीम, काफी टक्कर का मैच, आखिरी गेंद राइट हम ओवर द विकेट से सतीश चले और ये नदीम ने यहां पर अपनी टीम के लिए जीत दिलाई, छक्का लगाया, 6 रनों के साथ ये मैच विन हो गया मसला। हेलो थैंक यू डीजे प्लीज आजान हो रही, डीजे मत बजाओ। नदीम ने 34 रन बनाए।